फ्रेंड गुड मॉर्निंग। स्मार्ट रिपोर्टिंग ऑनलाइन लैब सॉफ्टवेयर में आज हम सीखेंगे कैसे हम इसमें पैकेज बनाते हैं, कॉम्बो पैकेजेस, नॉर्मल पैकेजेस, टेस्ट पैकेजेस, वो सीखेंगे। स्टेप स्टेप आने वाले हैं कैसे इसमें हर पॉइंट पे वॉक करेंगे। ये ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है स्मार्ट रिपोर्ट, जिसको कि आप क्लाउड के ऊपर यूज करते हैं। इस सॉफ्टवेयर के बेस्ट फीचर्स के बाद में बात करें तो इसमें हमने सारे टेस्ट दिए हुए हैं, पैकेजेस, व्हाट्सएप, QR, बारकोड, PDF, रिपोर्ट्स इंस्टेंटली आपके डिवाइसेस पे फॉरवर्ड होता है। इसमें साथ में आप जो भी डैशबोर्ड है, इसमें कितनी पेंडिंग्स रिपोर्ट है आपकी, कितनी कंप्लीट रिपोर्ट है, उसका एक अट्रैक्टिव डैशबोर्ड यहाँ पे दिया हुआ है, और करंट मंथ की जो आपकी इनकम है वो दी हुई है। साथ में यूजर मैनेजमेंट, बेस्ट पार्ट इज दैट कि अगर आपके पास मल्टीपल यूजर्स हैं तो आप इस सॉफ्टवेयर में यूजर्स की लॉगिन के थ्रू सिस्टम को मैनेज कर सकते हैं, और जो भी अथॉरिटीज हैं, जैसे कि ये हमारे यूजर्स हैं, उसके डिफरेंट डिफरेंट जो परमिशंस हैं वो परमिशंस को भी आप मैनेज कर सकते हैं कि क्या परमिशन देना है क्या नहीं देना है परमिशन। जैसे कि हमने एक पर्टिकुलर अगर यूजर बनाया है, उसको अगर हमने परमिशन देनी है कि ये टेस्ट मास्टर को ऐड कर सके, तो हमें इसको क्लिक करके एक्टिवेट करना पड़ेगा। सिमिलरली जो यहाँ पे ग्रीन लाइन दिख रहे हैं वो एक्टिवेटेड हैं, जो नहीं है वो आपको नॉन एक्टिवेटेड है, मतलब इसकी परमिशन नहीं है। तो फ्रेंड इस सॉफ्टवेयर में ये सारे फीचर्स आप एडिट करके ओपन करके अपने यूजर्स को दे सकते हो। डॉक्टर्स में हमने देखे यहाँ पे दिया है, हर चीज़ के लिए बनाया है। मल्टी ब्रांच सॉफ्टवेयर है तो यहाँ आपको ब्रांच मैनेज करने का भी ऑप्शन दे सकते हैं आप यूजर को। पेशेंट की एंट्री, पेशेंट की डिटेल, ये सारी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। साथ में रिपोर्ट में आपको डिलीट करना है नहीं करना है सारी चीज़ें, साथ में सिस्टम की सेटिंग, यूजर बनाना, रिपोर्ट बनाना, कुछ जनरल कॉमन सेटिंग्स भी हैं, वो सारी चीज़ें देख सकते हो। तो ये हमने इस सॉफ्टवेयर में एक ऑप्शन दिया हुआ है। अभी हम बात करते हैं डियर कि इसमें पैकेज कैसे क्रिएट करेंगे। तो हम यहाँ के टेस्ट पैकेज में चलेंगे, और जो भी पैकेजेस होते हैं, पैकेज का यूज क्या होता है, अगर आप एक साथ बहुत सारे टेस्ट को एक कंबाइंड पैकेज के रूप में देते हो जो कि बहुत सारे लेबोरेटरी यूज करती है, तो आप आसानी से एक पैकेज बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पैकेज बनाया है CVC विद बिडाल। बिडाल के साथ आपको CVC देना है, एक कॉम्बो के नाम से एक नया पैकेज बना के दिया है, उसकी प्राइसिंग। तो सिंपली यहाँ पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है और व्यू में देख सकते हैं कि आपने क्या किया है। इस पैकेज का नाम आपने रखा है CVC विद बिडाल। इसका पैकेज भी आप चेंज कर सकते हो, नाम वगैरह भी चेंज कर सकते हो कि कैसे क्या रखना है, क्योंकि ये बना हुआ है, इसमें कोई नया टेस्ट भी ऐड कर सकते हो। तो अगर हमें टेस्ट पैकेज नया बनाना है, हम यही सीखने वाले हैं आज की वीडियो में कि टेस्ट का पैकेज कैसे क्रिएट करेंगे। टेस्ट पैकेज बनाने का पर्पज़ मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस के अकॉर्डिंग आप अपने क्लाइंट्स को ऑफर दे सकते हो। फुल बॉडी चेकअप, हाफ बॉडी चेकअप, हीमोग्लोबिन चेकअप, एक नॉर्मल उसका ब्लड चेक कर लिया, ग्लूकोज चेक कर लिया, तो ये पैकेज बना के आप अपने बिजनेस को मैनेज कर सकते हो। तो उसके लिए हम यहाँ पे ऐड न्यू में क्लिक करेंगे, और एक हम यहाँ पे पैकेज बनाते हैं। जैसे मैंने पैकेज का नाम दे दिया हेल्थ प्लस, हमने दे दिया हेल्थ प्लस, और हमने इस पैकेज का जो अमाउंट रखा 499, और इसमें हमें जो जो भी टेस्ट सेलेक्ट करने हैं वो हम यहाँ पे करके चूज कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पे हीमोग्लोबिन रखना है तो हमने हीमोग्लोबिन ले लिया, हमें यहाँ पे CVC रखनी है तो हमने CVC भी रख सकते हो, या बिडाल भी रख सकते हो। यहाँ पे बिडाल सिंपली 1 लीटर यहाँ पे क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जैसे हीमोग्लोबिन रख लिया, बिडाल रख लिया, और क्या रख सकते हैं इसमें, लिपिड रख दीजिए तो लिपिड प्रोफाइल भी आ जाएगा यहाँ पे, डेंगू भी रख सकते हो। तो जो जो भी आपको टेस्ट रखना है, डेंगू का टेस्ट, बिडाल का टेस्ट और हीमोग्लोबिन, मतलब टाइफाइड, डेंगू और हीमोग्लोबिन, ये हमने लगा दिया और इसको सेव कर दिया। तो टेस्ट पैकेज एडिट सक्सेसफुली, ये हमारा एक टेस्ट पैकेज बन गया। इस पैकेज को हमें देखने के लिए यहाँ पे देखना होगा जो भी हमने बनाया है वो आया कि नहीं आया। सिंपली यहाँ पे हमारे टेस्ट पैकेज बन चुके हैं, और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारा हेल्थ प्लस के नाम से ये आपका नया बन चुका है 499। ऐसे हमने हेल्थ कम्बो बना रखा है अलग अलग, और हम यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हैं अलग से, अगर आपके पास परमिशन है तो आप डिलीट कर लीजिए, ये टेस्ट पैकेज डिलीटेड, तो ईजिली आप इसको कर भी सकते हैं। तो इस तरह से पैकेज बनाएंगे, और जब किसी पेशेंट की एंट्री करेंगे ऑटोमेटिकली, सबसे अच्छी बात है कि अगर पेशेंट एंट्री आप इस सॉफ्टवेयर में करते हैं तो
तो आपको बार बार पेशेंट की डिटेल और इन्फॉर्मेशन नहीं भरनी होती है। सिंपली यहाँ पे पेशेंट का मोबाइल नंबर डाल देंगे अगर आपके पास पहले से आया हुआ है, और इंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली देख पा रहे हैं कि पेशेंट की एंट्री प्रॉपर भर चुकी है। अभी आप इसमें EOHID नंबर डाल देंगे, पेशेंट का नाम ऑटोमेटिकली दिया हुआ है। अगर इसको हम अपडेट करना चाह रहे हैं तो इसको अपडेट भी कर सकते हैं। इसमें फ़ोन नंबर, एज, जेंडर, पेशेंट का वेट, ये सारी इन्फॉर्मेशन भरने के बाद आप अपने ब्रांच को सेलेक्ट कर सकते हैं, आप किस ब्रांच को बिलोंग करते हैं, यहाँ पे कौन से डॉक्टर आपको चूज लेना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद आपने डिपार्टमेंट ले लेना है और अपना पैकेज चूज करना है। अगर आपको टेस्ट चूज करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, और अगर पैकेज चूज करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, और जो भी हमने बनाया हेल्थ प्लस हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। आप देख पा रहे हैं तीनों के तीनों टेस्ट हमारे सेलेक्ट हो चुके हैं, और तीन टेस्ट हमने चूज किए हैं तो हमारे प्राइस को भी बाइफर्केट करके टोटल 499 की प्राइसिंग यहाँ पे आ चुकी है। हमने क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है, और हमारी यहाँ पे जो टेस्ट हैं उनकी टोटल अमाउंट 499 है। अगर कोई डिस्काउंट है, कितने का पेमेंट है, तो हमने इसको क्या करना है, 499 का पेमेंट ले लिया, हमारा बैलेंस जीरो, पेशेंट रिपोर्ट एडेड सक्सेसफुली। जैसे ही पेशेंट रिपोर्ट एडेड होती है तो हमें यहाँ देखना होता है हमारा ये पेंडिंग रिपोर्ट अभी दिखा रहा है, दैट इज अ प्रोसेस क्लियर। आप चूज करने के बाद यहाँ पे बनाते हैं, सिंपली यहाँ पे क्या करना है, हमें रिजल्ट में जानना है या प्रिंट बार कोड करना है, दोनों ऑप्शन मिलते हैं। अगर देखो हमने उसी पेशेंट का यहाँ पे बार कोड क्यों बनाया, इसको अपने बाउल के ऊपर लगा सकते हैं। सिमिलरली अगर इसकी हमें रिजल्ट बनानी है तो हम यहाँ पे रिजल्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हीमोग्लोबिन की वैल्यू डालेंगे, जैसे कि यहाँ पे पेशेंट की वैल्यू जो आई है हमने डाल दिया 14.6, और यहाँ पे सेरोलॉजी बिडाल में डालेंगे, बिडाल का पैरामीटर लिखेंगे यहाँ पे, बिडाल क्या है, यहाँ पे नोट्स में भी लिख सकते हैं ये बिडाल का पैरामीटर है, जैसे ये क्या पॉजिटिव आया क्या निगेटिव आया है ये चीज़ें। अगर बिडाल पॉजिटिव है सिंपली यहाँ पे इसको प्लस प्लस क्लिक करके आप बना सकते हो आपके अकॉर्डिंग जो भी बन रहा है। यहाँ पे हमने, यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने चेंजेस भी किए हैं कि आप कैसे कैसे इसको सेटिंग कर सकते हो, जैसे हमने इसकी मार्जिन सेट करनी है, कलर चेंज करना है, ये सारी चीज़ें हम इस सॉफ्टवेयर में इजीली मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको फ़ोन की साइज बढ़ानी है, अगर कोई अलग निकालने का, जैसे कि हमने यहाँ पे ये देखिए यहाँ पर हमने इंटर किया तो हमारा टेक्स्ट लाइन नीचे आ गई, प्रॉपर फॉर्मेटिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे इसका कलर रेड है, अगर आप इसको कलर चेंज करना चाह रहे हैं, फ़ोन को फॉर्मेट करना चाह रहे हैं, तो सिंपली अलग अलग फ़ोन यूज कर सकते हैं, फ़ोन की साइज यहाँ से भी चेंज हो सकती है। देखिए बड़ा हो गया, अभी हम इसको क्या करते हैं, छोटा कर दिए ये, और यहाँ से भी कर देंगे, ये बहुत बड़ा हो गया। तो ये साइज हमने यहाँ पे मैनेज कर लेनी होती है। यहाँ पे हमने देखे चेंज टेक्स्ट कलर, अगर आपको इसको कस कलर चेंज करना है तो आप ये कलर चेंज करेंगे, ये आपका कलर चेंज हो गया। तो फ्रेंड इस तरह से इस सॉफ्टवेयर में हमने सारी चीज़ें मैनेज करने रखी हैं, कंपनी ने इसमें प्रॉपर अपडेट करके सारी इन्फॉर्मेशन दिया, ये कलर भी चेंज हो गया आपका। अब इसमें क्या करेंगे, रिजल्ट डालेंगे, रिजल्ट में जो भी आपको डालना है डाल सकते हो, जैसे कि पॉजिटिव, फॉर एग्जांपल पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव कर लेंगे। अगर आपको लिखना भी नहीं है तो क्विकली आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है पॉजिटिव, सारी चीज़ें ऑटोमेटेड बनी हुई है। डेंगू की प्रोफाइल में क्या है, एंटीबॉडीज़ में डेंगू क्या है आपका निगेटिव है यहाँ पे, और इनकी यहाँ पे डेंगू की जो पैरामीटर्स हैं वो डेंगू के पैरामीटर्स भी आ जाते हैं। हम ये सब करने के बाद इस रिपोर्ट को स्टेटस में पेंडिंग या कम्प्लीट करते हैं। हमने इसको कम्प्लीट किया, इसकी रिपोर्ट को सेव कर दिया है। जैसे ही हम पेशेंट की रिपोर्ट सेव करते हैं, चूँकि पेमेंट ऑलरेडी हो चुका है तो पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इस रिपोर्ट को हम प्रिंट रिपोर्ट विद हेडर भी भेज सकते हैं, इनवॉइस भी भेज सकते हैं प्रिंट विदाउट हेडर। तो अभी हम आपको एक इनवॉइस करके दिखाते हैं, ये आपको दिखेगा यहाँ पे इनवॉइस, और साथ में दिखेगा प्रिंट रिपोर्ट विद हेडर। यहाँ पे हमें क्या करना है, तीनों चीज़ों का निकालना है रिपोर्ट, अगर दो लेना दो निकालते हैं। यहाँ पे प्रिंट कर दिए तो आप देखेंगे ये डाउनलोड हो गई है रिपोर्ट, ये आपकी इनवॉइस आ गई है, तीनों टेस्ट प्रॉपर यहाँ पे दिए हुए हैं QR कोड के साथ। इस तरह से आप इसकी रिपोर्टिंग निकाल लेते हैं, और साथ में यहाँ पे हमने ये रिपोर्ट आ गई आपकी CBC सेरोलॉजी, ये पूरा जो हमने निकाल के दिया अभी जो हम चेंज कर रहे थे, रिजल्ट आ गया आपका। तो इस तरह से देखेंगे आप, रिपोर्ट भी निकल के आ जाती है, सारी इन्फॉर्मेशन जो हमने डाली है पॉजिटिव नेगेटिव वो सारी वैल्यूज यहाँ पे आ जाती हैं। तो इस तरह से आप इस सॉफ्टवेयर में ये यूज कर सकते हैं, आप यहाँ से भी प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट विदाउट हेडर इसके हैं डायरेक्टली यहाँ पे आपको आ जाती है। ये देख पा रहे हैं आप, ये रिपोर्ट आ गई है, और इस रिपोर्ट को आप इंस्टेंट जाती है इसमें और आपको व्हाट्सएप में आएगी, आप इसको ओपन करके देख सकते हैं, आपको जो PDF में मिल गई ये रिपोर्ट आपकी।
ये रिपोर्ट्स के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट हैं, इसमें QR बार कोड्स, पेशेंट की इंफॉर्मेशन सब कुछ मिलेगी। और ये आपके अकॉर्डिंग अट्रैक्टिव डिज़ाइन, ये ऑटोमेटेड है, ये बहुत आसान है बनाना, आप इस पर सिंपली अपलोड करके मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं हमने डेंगू की प्रोफाइल डाली है, यहाँ पे हमने सारी चीज़ें आप सकते हैं। अभी डैशबोर्ड में जाएंगे तो ये रिपोर्ट आपको कंप्लीट मिलेगी, आप ये देख पा रहे हैं कंप्लीट रिपोर्ट ही देख जो भी हमने बनाई है। और यहीं से आपने इसको क्या करना है, बिल सेंड कर देना है, यहीं से प्रिंट दे देना है, यहीं से रिजल्ट बना देना है, यहीं से आपका अभी देखो पेंडिंग रिपोर्ट में जो होती है रिपोर्ट दिखती नहीं, लेकिन यहाँ पर रिपोर्ट भी ओपन हो जाएगी और इसको आप एनी वे किसी तरह से भेज सकते हो। तो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस सॉफ्टवेयर को बाय करना है, इसका डेमो देखना है, तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए नंबरों पर कॉन्टैक्ट करके बात कर सकते हैं, इसमें आप रिपोर्टिंग लाइन ले सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।